अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद खान। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है HEC USAT टेस्ट डेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ HEC USAT की बैच वन और बैच टू की जो टेस्ट डेट है वो शेयर करूंगा कि किस डेट को इनको जो बैच वन और बैच टू के जो टेस्ट है वो हो रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें, शुक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दी हायर एजुकेशन कमीशन HEC हैज अनाउंस डेट द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल रिमेन ओपन अंटिल September 9, 2022 मिड नाइट फॉर द सेकंड बैच ऑफ स्टूडेंट हाउस विश टू टेक द अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट USAT। यहाँ पे आप देख सकते हैं HEC ने नई जो डेट अनाउंस की है वो 9 सितंबर तक आपको जो बैच टू की वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बैच टू के जो टेस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 सितंबर को इनके जो टेस्ट हैं वो लिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैच वन के यहाँ पे जो टेस्ट हैं वो होंगे 4 सितंबर को। यहाँ पे आपको एक दफ़ा फिर से मैं बताता चलूँ कि HEC की जो न्यू डेट है वो बैच वन की जो टेस्ट डेट है वो होगी यहाँ पे 4 सितंबर को बैच वन के स्टूडेंट से जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। इसके बाद जो बैच टू के जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद इसका जो टेस्ट है वो यहाँ पे होगा 18 सितंबर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 सितंबर 2022 को इसका जो टेस्ट है बैच टू का अंडर ग्रेजुएट का वो यहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हेल्ड ऑन 4 सितंबर 2022। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैच वन का जो टेस्ट है वो यहाँ पे होगा 4 सितंबर। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं HEC USAT टेस्ट ब्रेकअप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो वीडियो मैं ऑलरेडी वो बना चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट वन में जो नंबर ऑफ टेस्ट आइटम है वो 75 MCQs, इसके बाद टाइम अलाउड 100 मिनट्स, इसके बाद वर्बल रीजनिंग में 35 MCQs, इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आप देख सकते हैं 14 MCQs जो आपसे वो पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये था इसका पार्ट वन। इसके बाद पार्ट टू आप देख सकते हैं टाइम अलाउड 14 मिनट्स, यहाँ पे आपके पास 40 मिनट होंगे। इसके बाद ऐसे राइटिंग स्किल 400 to 500 वर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एदर इन इंग्लिश और उर्दू, यहाँ पे आपसे इंग्लिश या उर्दू में पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी स्कोर अबव एंड इक्वल टू 50 विल बी कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाई USAT स्कोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो आपको पासिंग मार्क्स है वो आपको 15 इसके जो पासिंग मार्क्स है आपको चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं HEC USAT ब्रेकअप इसकी जो वीडियो वो ऑलरेडी बन चुकी है, डिटेल से आप उसे जाके तो ओपन करके चेक कर सकते हैं। इसके जो पार्ट वन और पार्ट टू का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो यहाँ पे अवेलेबल है, इसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।